एबीवीपी के कार्यकर्ता गिरे लड़कियों के पैरों पर, गिड़गिड़ाकर मांगे वोट। एबीवीपी और भारतीय जनता पार्टी के नेता आखिर क्यों करते हैं ऐसी नौटंकी? जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं द थिंग। एबीवीपी हो या भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों ही चुनाव आते छात्र हो या जनता, इनके पैरों पर आकर गिर जाते हैं, वो भी किसके लिए? वोटों के लिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही कुछ तस्वीरें राजस्थान के कॉलेजों से निकल कर आ रही है, जिन्हें देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी। ये तस्वीरें जब आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के समय की तस्वीरें आपको जरूर याद आएगी, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग हाथ जोड़कर जनता के सामने आते हैं और जनता उनको हकाल देती है। और यही तरकीब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भी अपनाई है और छात्रों ने उनके साथ में भी वही सलूक किया। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में छात्र संघ के चुनाव हो चुके हैं और ये जो चुनाव हुए तकरीबन 2 साल के बाद में हुए और इस चुनाव को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने सच में यादगार बना दिया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने छात्र और छात्राओं का मन जीतने के लिए मानो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ये लोग छात्र और छात्रों के पैरों पर मानो सांप की तरह लौट गए। पैर पकड़कर एबीवीपी के छात्रों ने मांगे वोट। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ इस तरह का मंजर था राजस्थान के कॉलेजों में जो छात्र संघ के चुनाव चल रहे हैं वहाँ का। ऐसा तभी होता है जब संगठन को, संघ को लगता है कि वह किसी भी हालत में चुनाव को नहीं जीत पाएंगे। उन्हें पूर्णतः विश्वास होता है कि हम नहीं जीत पाएंगे, तब इस तरीके की नाटकबाजी, नौटंकी करना एबीवीपी और भारतीय जनता पार्टी के खून में है। ऐसा तभी होता है जब उन्हें भरोसा होता है कि लोग उन्हें वोट नहीं देंगे, छात्र उन्हें चुनकर नहीं देंगे। इसलिए एबीवीपी के कार्यकर्ता लड़कियों के पैरों पर गिरकर वोट मांग रहे हैं। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि सोशल मीडिया पर इस तरीके के भी वीडियो वायरल होंगे, जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये लोग इस तरीके से वोट मांग रहे हैं जैसे कि मानो ये धरती से जुड़ चुके हैं। भरतपुर राजस्थान के कॉलेजों से हम ही आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ इस तरीके का आलम था भरतपुर राजस्थान के कॉलेजों का, जहां पर छात्र संघ के चुनाव हुए और वहां पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से लड़कियों के पैरों पर गिरकर वोट मांगा है, गिड़गिड़ा कर वोट मांगा है, वोट की भीख मांगी। साथियों, ये वही एबीवीपी के लोग हैं जो सचिवालय पर चढ़कर तिरंगे झंडे को निकाला था और वहां भगवा झंडा लगाया था और इसी के साथ उन्होंने अपनी देशभक्ति को भी साबित किया था। इस पूरे वाक्य को देखते हुए बाबा साहब के कोटेशन को कोट करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां बाबा साहब कहते हैं कि जब मेरा समाज इस वोट की कीमत को समझ जाएगा, तब सत्ताधारी लोग हमारे पैरों पर गिड़गिड़ा कर वोट की भीख मांगेंगे। और ऐसा ही कुछ राजस्थान में जो छात्र संघ के चुनाव हुए वह हमको देखने को मिलता है। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।